जिले के चंदिया में हुई बस जंपर भिड़ंत में दोनों वाहनों में आग लगी है। 20 यात्री बस में सवार थे, सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो गंभीर रूप से घायलों को जबलपुर रेफर किया गया है। शर्मा ट्रेवल्स की बस उमरिया से डिमर खेड़ा जा रही थी और इस दौरान कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक जिला चिकित्सालय में उपस्थित रहकर उपचार कार्य की निगरानी कर रहे हैं। घायलों में सुभाष वर्मा पिता सदन प्रसाद वर्मा उम्र 18 वर्ष निवासी कोडिया, जानकी राय पिता दिनेश राय उम्र 29 वर्ष और दीनबंधु पिता सुंदरलाल साहू उम्र 74 वर्ष निवासी चंदिया और साथ ही में यश यादव पिता नीरज उम्र 8 वर्ष खमरिया डीमर खेड़ा, लीला यादव पति नीरज उम्र 26 वर्ष साथ ही में रामचरण महरा उम्र 70 वर्ष निवासी खबरिया डीमर केड़ा और चंदा दाहिया पिता सेमाली दाहिया उम्र 47 वर्ष, ज्योति यादव पिता वीरेंद्र यादव उम्र 20 वर्ष, देवांश यादव पिता वीरेंद्र यादव 5 माह और साथ ही में उषा बर्मन पिता रामदास बर्मन उम्र 45 वर्ष, माया यादव पति कमलेश यादव उम्र 35 वर्ष और कमला साहू पिता मिल्लू उम्र 46 वर्ष, रथेली चंदा श्रीवास्तव पति अशोक श्रीवास्तव उम्र 55 वर्ष शामिल हैं। सर क्या घटना घटी है सर, कैसे क्या हुआ? लगभग 4:30 बजे एक बस जो यहाँ उमरिया से चंदिया की तरफ जा रही थी वो अपनी लेन छोड़कर गलत लेन में गई और एक डंपर से टकरा गई। टक्कर आमने सामने नहीं हुई तो साइड से हुई है और दोनों वाहन इसमें जल गए। परंतु संयोग से सभी यात्री समय रहते निकाल लिए गए। आग से किसी को कोई हानि नहीं हुई है। टक्कर से अवश्य कुछ लोगों को चोट है। करीब 20 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। एक यात्री को कंपाउंड फ्रैक्चर है, खतरे से बाहर है, परंतु कंपाउंड फ्रैक्चर होने के कारण जबलपुर भेजा जा रहा है। बाकी सब इलाज। सर आग लगने पर कोई जलने की घटना किसी व्यक्ति की? आग से किसी को कोई नुकसान होने की जानकारी नहीं, क्योंकि उसके पूर्व ही सब बाहर निकल गए। थैंक यू। 4:30 बजे के आसपास एक बस उमरिया से चंदिया के बीच में धर्म बाबा का जो स्थान है उसके आसपास में एक घटना घटित हुई है, जिसमें एक शर्मा ट्रेवल्स की बस और एक डंपर के बीच में भिड़ंत हुई। उस भिड़ंत के पश्चात उसमें आग, दोनों वाहनों में आग भी लग गया। पुलिस तत्काल सूचना मिलने पर पहुंची और सभी घायलों को सबसे पहले हम लोगों ने विभिन्न साधनों का उपयोग करते हुए जिला अस्पताल उमरिया में रवाना किया है, जहां पे ये सब लोग इलाजरत हैं। इसमें किसकी गलती है या किन कारणों से हुई उसकी जांच अभी की जाएगी, प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना की जाएगी, उसमें इसका खुलासा होगा। सर कोई गंभीर रूप से घायल या कितने लोग को रिफर किए हो? अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, क्योंकि अभी सब लोग आते ही जा रहे हैं और उनका इलाज जारी है, लेकिन दो लोगों को रेफर करने की स्थिति बन सकती है। बाकी लोगों की स्थिति कोई कैजुअल्टी नहीं, अभी तक कोई कैजुअल्टी की सूचना नहीं। थैंक यू सर। बहुत सारी खतरा बस। क्यानन न्यूज़ के लिए उमरिया से आशीष कुमार दुबे की रिपोर्ट।